अब ये प्रश्न उठता है कि मंगल ग्रह और मंगारक योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप उसका कैसे उपचार करें। इस उपचार को करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाएं और सिंदूर और चमेली का तेल दें, साथ में अगर बेसन के लड्डू अगर आप उस मंदिर में जाकर दें, और ये ऐसा 7 बार कम से कम 7 मंगलवार करें। इसको करने से सामान्य रूप में आपको कष्ट ठीक हो सकता है। दूसरा उपाय ये है कि आप घर में कम से कम 3 बार सुंदरकांड का पाठ करें। अगर ना कर सके 3 बार तो 1 बार करें। सप्ताह में 7 दिन अवश्य सुंदरकांड का पाठ करें। अगर 7 दिन सुंदरकांड पूरा ना कर सके तो 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज 7 हनुमान चालीसा करें, 7 दिन में 54 पाठ करें। तो 7 पाठ कर आप हनुमान चालीसा को हनुमान जी से अपने शरीर की सुरक्षा का कवच प्राप्त कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा कैसे करना है उसके लिए मैं सामान्य तौर पर बता देता हूँ। चमेली का दीपक जलाए, गुड़ और चने का भोग लगाए, केला भोग लगाए, हनुमान जी के आगे दीपक जला करके और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। तो ये एक सुच पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के आचार विचार या संशय की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बड़े सरल देव है और इन पे श्रद्धा कर रखें और फटाक से आपको ये प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही खुश हो जाते हैं और लंका पे छलांग लगा देते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप गुड़ के पानी को आटे में डालकर सान लें और उसके गुलगुले बनाएं, और गुलगुले बनाकर उन रोटियों को कुत्तों को खिलाएं। अब आप पे बोलेंगे किस दिन खिलाएं, तो मंगलवार, आप जानते हैं मंगल का उपाय मंगलवार के दिन होता है, तो मंगलवार के दिन आप अपने श्रद्धानुसार पाव आटे से लेकर के 1.25 किलो आटे तक के गुलगुले बनाएं और ले जाकर कुत्तों को खिला दें। इससे भी मंगल ग्रह की शांति मिलती है। अब एक मैं उपाय बताता हूँ, इसमें आपको एक अंगूठी धारण करनी होगी। अंगूठी कैसे बनेगी? अंगूठी के लिए आपको 1 सोने की तांत, 1 चांदी की तांत और 1 तांबे की तांत, इन तीनों की तांतों को पूरी तरीके से एक सार कर ले। तो तीनों तारों को मोड़ मोड़ करके और एक पूरी एक सार बन जाएगी और उसके बाद उसका एक छल्ला बनेगा जिसमें किसी भी तरह का टांका नहीं होगा। पूर्ण रूप से वो झलाई करके वो अंगूठी बन जाएगी। उस अंगूठी को मंगल भगवान, होम देव, हनुमान जी इनकी चरणों में स्पर्श कराकर इनका शुद्धि करके अंगूठी को इसको आप अपने अंगुली में पहन लें। इसको पहनने से आपको मंगल का अंगारक दोष का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इसको जीवन भर पहन के रखें, क्योंकि अंगारक दोष जो है वो जब होता है कुंडली में तो फिर जीवन भर प्रभावित करता है, तो इसको हमेशा पहन के रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक उपाय है, वो लाल किताब में आता है कहीं कहीं, हाथी के दांत जो आजकल मिलते नहीं है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो अगर आपको भाग्य से मिल जाए तो उसको गले में धारण करें। हाथी के दांत को गले में धारण करने से आपके मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब आप सामान्य रूप से अपने शरीर के अंदर में आप देखोगे कि क्या खाने से, किस चीज़ का सेवन करने से मंगल ग्रह का या अंगारक योग का प्रभाव होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि मंगल ग्रह या अंगारक योग में मनुष्य कड़वा बोलता है। वो जब बोलता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोल रहा हूँ और वो ऐसा बोल देता है कि उससे शत्रु बन जाते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो मित्र तोड़ते चला जाता है, ये अंगारक ग्रह का प्रभाव है। तो इसके लिए आप रोज शहद का थोड़ा पान करें। कैसे? शहद का पान करने से आपकी जबान मीठी हो जाएगी और इस शहद के सेवन से आपको मंगल का अगर कोई शरीर में रोग भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप सुबह शाम 2 टाइम सौंफ जो आप चबाते हैं, इस सौंफ का प्रयोग करें, सौंफ खाएं, इससे भी मंगल के अंगारक ग्रह का रोग दोष का निवारण होता है। इसके अलावा मंगल भगवान का एक अंगारक स्त्रोत होता है, इसको कहते हैं अंगारक स्त्रोत्रम।
तो इस अंगारक स्त्रोत का नित्य पाठ करें। इस पाठ को करने से आपको मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी और आप अचानक आने वाले संकटों से, दुर्घटना से, अपने भाइयों के विवाद से, मुकदमों से, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और ये आपके लिए मतलब अत्यंत कल्याणकारी होगा। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपकी कुंडली मंगलारत हो गए तो मैं जितनी आपको उपाय बताया इनमें से जो आपको सुलभ लगे उन उपाय को अवश्य करें और इससे आप संकट से बच जाएंगे और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपका भला होगा। धन्यवाद।